इस तरह बच्चों, यदि हमें अम्ल की प्रबलता अथवा क्षार की प्रबलता की जांच करनी है तो हमें ये देखना होगा कि विलयन में उसके अम्लीय विलयन में कितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन हैं अथवा क्षारीय विलयन में कितने ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन हैं। और इसकी जांच करने के लिए एक अलग पैमाना उपयोग किया जाता है जिसे पीएच स्केल कहते हैं, जहाँ पर पी से तात्पर्य पोटेंस यानी कि शक्ति से है। अर्थात पीएच स्केल यह बताता है कि विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी है। इसकी जांच करके हम विभिन्न अम्लों की प्रबलता की तुलना कर सकते हैं। पर बच्चों, इसके लिए आप लिटमस पेपर नहीं ले सकते, इसके लिए आपको एक अन्य सूचक की आवश्यकता होती है जिसे हम सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। बच्चों, ये सार्वत्रिक सूचक विभिन्न प्रकार के सूचकों का मिश्रण होता है जो विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आधार पर अपने रंग में परिवर्तन करता है। और इस रंग में परिवर्तन की जांच करके हम विभिन्न अम्लों की अम्लता की तुलना कर सकते हैं। बच्चों, इसके लिए हम इस कलर बार का उपयोग करते हैं जिसमें आपको लाल रंग से लेकर हल्के हरे से लेकर गहरे नीले रंग तक के रंग दिखाई दे रहे हैं। यह सार्वत्रिक सूचक विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के आधार पर अपने रंग में भिन्न भिन्न परिवर्तन करता है, जिसका पता हम इस पीएच के कलर बार से कर सकते हैं। बच्चों, ये पीएच कलर बार में ऊपर का रंग लाल रंग अम्लीयता को दर्शाता है, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं अम्लीय गुण कम होता जाता है, अर्थात ये कम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है। जब हम पीएच 7 पर पहुंचते हैं तब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता के बराबरी को इंगित करता है, अर्थात यह उदासीन अवस्था को दर्शाता है। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये 8, 9, 10 से लेकर 14 तक का रंग क्षारीयता को दर्शाता है, अर्थात यह हाइड्रोक्साइड आयनों की बढ़ती हुई मात्रा को दर्शाता है। इसका मतलब यदि किसी विलयन का पीएच मान या पीएच कलर लाल रंग है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह अम्लीय है। और यदि किसका पीएच पेपर का कलर 6 है तो इसका मतलब वो कम अम्लीय है। यदि पीएच का मान 7 आता है वो ये दर्शाता है कि विलयन उदासीन है। और यदि पीएच का मान 10, 12 या 14 आता है जो कि क्षार या प्रबल क्षार को दर्शाता है। तो आइए अब हम इन अलग अलग विलयनों की अम्लता तथा क्षारीयता की तुलना पीएच स्केल के द्वारा करते हैं। पहले हम जल की तुलना करते हैं। देखिए, आप पीएच पेपर तथा कलर बार के को मैच करने से पता चलता है कि जल का पीएच 7 है जो कि जल के उदासीन होने को इंगित करता है। अब हम नमक के घोल के पीएच की जांच करते हैं। देखिए बच्चों, नमक के घोल का पीएच का रंग भी पीएच 7 के कलर से मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि नमक का घोल भी का पीएच 7 है, अर्थात यह भी उदासीन विलयन है। अब हम दूध के पीएच की जांच करते हैं। देखिए बच्चों, दूध का पीएच भी लगभग कलर बार की सहायता से लगभग 7 दिखाई दे रहा है। अब हम टमाटर के रस के पीएच की जांच करते हैं। देखिए, टमाटर के रस में पीएच कलर
पीस पेपर का कलर लगभग 5 से मैच कर रहा है। इसका मतलब कि टमाटर के रस का पीएच मान 5 है, जो कि इसके अम्लता को दर्शाता है। अब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन के विलयन की जांच करते हैं। बच्चों, आप देख रहे हैं कि तनु हाइड्रोक्लोरिक में पीएच पेपर डुबाने पर कलर लाल हो गया है, जो पीएच बार में पीएच वैल्यू 1 को दर्शाता है। इसका मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन काफी अम्लीय है। अब हम तनु NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के पीएच की जांच करते हैं। बच्चों देखिए, इसमें पीएच पेपर का रंग गहरा नीला हो गया है, जो कि कलर बार में पीएच मान 14 को दर्शाता है, अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन प्रबल क्षारीय है। इसके पश्चात हम खाने के सोडे की जांच करते हैं। बच्चों, खाने के सोडे के विलयन में पीएच पेपर डालने पर ये रंग हरा हुआ, जो कि लगभग 9 पीएच को दर्शाता है, अर्थात खाने का सोडा भी क्षारीय है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से कम क्षारीय है। अब हम कॉपर सल्फेट के विलयन की जांच करते हैं। बच्चों, कॉपर सल्फेट के विलयन में पीएच पेपर डालने पर रंग परिवर्तन लगभग 6 दर्शा रहा है, जो कि इसके हल्के अम्लीय होने की पुष्टि करता है। अब हम साबुन के घोल की जांच करते हैं। बच्चों, साबुन के घोल में पीएच पेपर डालने पर यह हरे रंग का हो गया है, जिसका पीएच मान लगभग 12 दिखा रहा है। इसका मतलब कि साबुन का घोल भी क्षारीय है, लेकिन खाने के सोडा से ज्यादा और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कम क्षारीय है। अब हम नींबू के रस के पीएच की जांच करते हैं। बच्चों, नींबू के रस में पीएच पेपर डालने पर कलर बार से मैच करने पर हमें दिख रहा है कि इसका पीएच लगभग 3 के बराबर है, जो कि इसके अम्लीय होने की पुष्टि करता है, लेकिन तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कम अम्लीय है। इस तरह बच्चों, हमने देखा कि हमने जो विभिन्न प्रकार के अम्ल तथा क्षार लिए हैं, उनकी पीएच जांच करने के पश्चात हमने ये पाया कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन सबसे ज़्यादा अम्लीय है तथा टमाटर का रस सबसे कम अम्लीय है। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन सबसे ज़्यादा क्षारीय था, जबकि खाने के सोडे का विलयन सबसे कम क्षारीय था। साथ ही जल का विलयन तथा नमक का घोल उदासीन थे। इस तरह आप भी अपने आसपास पाए जाने वाले विलयनों की पीएच जांच करके ये पता लगा सकते हैं कि कौन ज़्यादा अम्लीय है अथवा कौन ज़्यादा क्षारीय।